ये जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है, वो कभी एक नहीं हो सकते। तेल पानी की तरह है, कभी एक साथ नहीं मिल सकते। तेल और पानी। मैं नीतीश बाबू को कहने आया हूँ, नीतीश बाबू स्वार्थ कितना भी ऊपर हो, तेल और पानी एक नहीं हो सकते। और उसमें तेल को कुछ नहीं गवाना है, तेल पानी को मैला कर देता है, मैला कर देता है, मान कर चलना। हम लोग आजकल साथ हैं तो कुछ बोलता कोई मतलब है? सारा काम नहीं हो रहा है, एक भी काम में कोई दिक्कत है? प्रधानमंत्री बनने के लिए जो गठबंधन किया है वो गठबंधन आपको भी डुबाने वाला है। जितना जल्दी करा दे उतना अच्छा है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। कहा है ना, हम हर समय तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। शनिवार को अमित शाह बिहार क्या आए, बिहार की फिजा में एक बड़ा बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। अपने बयानों से अमित शाह ने कई सारे इशारे किए। अमित शाह ने अपने बयान में नीतीश और लालू की जोड़ी को तेल और पानी का मेल बताया और ये भी कहा कि तेल और पानी कभी मिल नहीं सकते और अगर साथ आते भी हैं तो इसमें नुकसान जो है वो पानी का होता है क्योंकि पानी गंदा हो जाता है। और अमित शाह के इस बयान को जो राजनीति के जानकार हैं उसका विश्लेषण इस तरीके से कर रहे हैं कि अमित शाह नीतीश कुमार को वापस एनडीए में आने के लिए हिंट दे रहे हैं। पहले अमित शाह का बयान सुनिए। ये जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है, वो कभी एक नहीं हो सकते। मैं नीतीश बाबू को कहने आया हूँ, नीतीश बाबू स्वार्थ कितना भी ऊपर हो, तेल और पानी एक नहीं हो सकते। और उसमें तेल को कुछ नहीं गवाना है, तेल पानी को मैला कर देता है, मैला कर देता है, मान कर चलना। आपने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो गठबंधन किया है वो गठबंधन आपको भी डुबाने वाला है। जैसे ही अमित शाह का ये तेल पानी वाला बयान वायरल हुआ उसके बाद नीतीश कुमार ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने जरा सुनिए। तेल पानी की तरह है, तेल पानी की तरह है, कभी एक साथ तो उसको जरा सब बताते नहीं। ये पूरा का पूरा क्या है बिहार में, आई जो गांधी मैदान अब बापू का कैसा बना है, आइए किनका बना है बोलिए, शिव सागर राम गुलाम इनके लड़की आए हम लोग कर। जरा पूरे बिहार का देखिए ना, कहाँ कहाँ कितना सड़क बना है, कितना ब्रिज बना है, और कितना लोगों के हर घर तक नल का जल पहुंच गया, बिजली का कितना प्रबंध हो गया है। एक एक चीज देखे है जो बिहार में किया गया है। एक गरीब राज्य था और हम लोगों ने मेहनत करके सब कुछ कराया है, तो वो सब न देखिए। हाँ, कोई बिहार के बारे में अंड बंड बोलता है, हम लोग आजकल साथ हैं तो कुछ बोलता है कोई मतलब है? सारा काम नहीं हो रहा है, एक भी काम में कोई दिक्कत है? तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बिहार में फिलहाल महागठबंधन की सरकार है। विपक्षी गठबंधन देश स्तर पर भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एकजुट है, लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार क्या लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदलेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक नीतीश कुमार कई बार पाला बदल चुके हैं। 1994 में नीतीश कुमार ने लालू का साथ छोड़ समता पार्टी बनाई थी। 1996 में बीजेपी से हाथ मिलाया था। 2005 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर बड़ी जीत दर्ज की थी। 2013 तक नीतीश बीजेपी के साथ बने रहे, फिर 2013 में एनडीए से नीतीश कुमार अलग हुए। 2015 में लालू से मिलाया हाथ। 2015 में लालू नीतीश ने मिलकर बिहार में मोदी को हराया। अप्रैल 2017 में आरजेडी को छोड़ एनडीए में शामिल हुए और अगस्त 2022 में फिर एनडीए से अलग हुए नीतीश, आरजेडी से हाथ मिलाया। 2017 से अब तक हम देखें तो कम से कम दो बार नीतीश कुमार पाला बदल चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश एक बार फिर से पाला बदलेंगे। इससे पहले आपको बताते हैं कि जब G20 का सम्मेलन दिल्ली में हो रहा था तब नरेंद्र मोदी ने एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इन्विटेशन था। उस इन्विटेशन पर भागे भागे नीतीश दिल्ली भी पहुंचे थे और उस दौरान भी नीतीश और मोदी की केमिस्ट्री वाली तस्वीरें वायरल हुई थी। दोनों
ऐसे खुश होकर मिले थे जैसे कोई पुराने दोस्त मिल रहे हों। उसके बाद जब अमित शाह इस बार बिहार आए तो अमित शाह का नीतीश को लेकर मिजाज बेहद नर्म नजर आया। जो अमित शाह अपने पिछले बिहार दौरे में नीतीश के लिए दरवाजा बंद कर रहे थे, वो इस बार नीतीश को सलाह दे रहे थे कि लालू से दूर रहिए, कहीं आप भी मैले ना हो जाए। बिहार के अपने दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिन चीजों की ओर इशारा किया उनमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का जो मेल है वो तेल और पानी का मेल है, और इसमें तेल को गंदा नहीं होना है, पानी को गंदा होना है। दरअसल उनका इशारा नीतीश कुमार की तरफ था कि आपकी छवि बहुत अच्छी रही है, आप परफॉर्मर रहे हैं, लेकिन आप अगर लालू प्रसाद यादव के साथ जाएंगे तो आपकी छवि खराब होगी, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। और उन्होंने एक तरह से ऑप्शन खोलने का काम किया कि भी अभी भी मेरे पास आने का आपका रास्ता खुला हुआ है। हमारा जो गठबंधन था वो नेचुरल गठबंधन, उनके कहने का आशय ये था कि हम और आप जो मिलकर बिहार का विकास कर रहे थे, लेकिन जो अब की स्थिति पैदा हो रही है उसमें आपकी प्रतिष्ठा धूमिल होने के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। इन सब के बीच अब तक जितने भी सर्वे आए हैं उसमें हम देख रहे हैं कि नुकसान एनडीए को नीतीश की गैर मौजूदगी का हो रहा है। कोई 16 सीट एनडीए को दे रहा है तो कोई 22 सीट दे रहा है। वहीं जब नीतीश और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो 2019 में 40 में से 39 सीट जीतने में कामयाब होते हैं। वही कमोबश स्थिति चुनावी सर्वे में नीतीश कुमार की भी दिखाई देती है। बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार रहते हैं तो 17 में से 16 सीट जीत जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर नीतीश कुमार 2024 में महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या 16-17 सीट नीतीश कुमार को लोकसभा की बिहार में मिलेगी या नहीं। खैर, देखना होगा कि क्या नीतीश एक बार फिर से पाला बदलकर बीजेपी के साथ जाते हैं या नहीं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से एनडीए में नीतीश को वेलकम करने की शुरुआत हुई है, नीतीश को वापस बुलाने के लिए हल्का सा खोला गया है, उसका असर आगे की सियासत में क्या कुछ होता है, इस पर नजरें हमारी टिकी है। आप देखते रहिए बिहार तक।